नमस्कार दर्शकों, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2024, दिन है मंगलवार। विक्रम संवत है 2081, शक संवत है 1946, संवत्सर है कालयुक्त, सूर्यदेव है दक्षिणायन, ऋतु है वर्षा, मास है आषाढ़ और पक्ष है कृष्ण और तिथि है एकादशी, जो 8:42 AM तक रहेगी, मतलब 8:42 AM तक एकादशी रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो जो लोग एकादशी करना चाहते हैं वो आज के दिन व्रत या उपवास कर सकते हैं। सूर्योदय से एकादशी लगी तो उदया तिथि के हिसाब से आज एकादशी माना जाएगा और कल पारण कर सकते हैं क्योंकि कल द्वादशी रहेगी। राहु काल है 3:54 PM से लेकर 5:38 PM तक। तो ये रहा आज के दिन का हाल। आइए देखिए सभी राशियों का क्या हाल है। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मेष राशि वालों का क्या हाल है। मेष राशि वालों को जो समय दिख रहा है वो काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको सुख नहीं मिल पाएगा और परेशानियां भी आ सकती हैं, मतलब सुख में अवरोध भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे कोई सुख की चीज आपकी खराब हो सकती है या सुख की चीज आपको बाधा दे सकती है। जैसे एग्जांपल कि आप बहुत अच्छी गाड़ी से आप कहीं जा रहे हैं और पता चला गाड़ी ही खराब हो गई, पता चला उसका एसी भी काम नहीं कर रहा है या पंचर हो गया जिसकी वजह से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, और पता चला इस धूप में इस गर्मी में आप पसीने से लथपथ हो गए, कहीं जा रहे थे अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर के पूरा सत्यानाश हो गया, आप गाड़ी ही खराब हो गई है, गाड़ी चल ही नहीं पा रही है या एसी चल ही नहीं पा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से सुख देने वाली चीज भी खराब हो सकती है, गड़बड़ हो सकता है, या कहीं गए थे वहां कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे भी प्लेन में भी पता चला कि एसी काम नहीं कर पा रहा था, ठंडा नहीं कर पा रहा था, कितनी तकलीफ हो गई लोगों को, मतलब फ्लाइट में भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो दिक्कत का समय हो, अगर आपका समय ऐसा हो कि आपको सुख नहीं मिलेगा, कष्ट होने का समय है, तो कष्ट कहीं भी प्राप्त हो सकता है आपको। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने आपको बचा के चलें। आज के दिन कोई सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो मिलना है नहीं, दिक्कतें आ जाएंगी, तो इसलिए छोड़ दीजिए सुख। आज मेहनत करने में ही लग जाइए, मेहनत करके ही जब तकलीफ मिलनी है तो मेहनत करके ही, कर्म करके अपने आप को तकलीफ दे दें तो प्रकृति के खिलाफ आप नहीं चलेंगे और उस कष्ट से आपको लाभ भी मिल जाएगा। समय अच्छा है, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेशक आपको आराम न मिले, लेकिन सफलता मिलेगी मिलेगी, धन की प्राप्ति भी बहुत अच्छे से होगी। हाँ, ये कि जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें, उनको पैम्पर करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा ईगो आ रहा है और ईगो की वजह से आपके आपस में क्लैश होने के चांसेस बन सकते हैं, और आप ये भी संभव है कि आप अपने जीवन साथी को समय नहीं देंगे, आपको महत्व नहीं देंगे, ऐसी गलतियां भी आप कर सकते हैं। ऐसी गलती मत कीजिए, उनका भी उनको भी सहयोग दीजिए। परमात्मा अगर अच्छा समय दिया, सबके साथ अपनी खुशियां बांटिए, बहुत अच्छी बात होगी। ये भी बहुत अच्छा धर्म है, किसी को खुशियां देना, प्रसन्न करना, और अपने जीवन साथी को तो बहुत ही जरूरी है। अपने पार्टनर को, इन सबको भी खुशियां दें, मित्रों को भी खुशियां दें, तो इससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी तरह के नेगेटिव कर्म से या नेगेटिविटी से बच पाएंगे और जो सफलताएँ मिल रही हैं, जो पॉजिटिविटी आ रही है, वो आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग, गुलाबी रंग और साथ साथ कुछ ग्रीनिश कलर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो आपको थोड़ा उत्साह से भरा रखेगा। और कोशिश करें कि अपने आप को बिना परेशान हुए, मतलब जैसे कहीं जाए हुए, कहीं किसी वस्तु का प्रयोग किए हुए आनंदित हो सके तो आनंदित, मतलब परिवार के साथ आप बैठ करके गपशप मारें, ऐसा करें कि जिसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे में क्या है कि आपने अच्छा कर्म करना शुरू कर दिया, उनको खुशियाँ देना शुरू कर दिया, और परमात्मा भी आपको नेगेटिविटी से बचाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि महामंत्र का जाप आपका प्रातःकाल करना बहुत ही अच्छा रहेगा। महामंत्र का जाप करना प्रातःकाल जब वो कर लेंगे आप, तो उससे क्या होगा, जो नेगेटिविटी होनी थी, जो गड़बड़ होना था, सुख में बाधा आनी थी, वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिविटी आके भी रुक जाएगी, आप तक पहुँचने को वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई और नेगेटिविटी थी वो मैच नहीं कर पाएगी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए ऐसे करके आप अपने आप को बचा लीजिए तो आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे, अच्छे तरीके से समय बीत पाएगा आपका। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए समय तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि आपके अंदर काफी चिड़चिड़ापन दिख रहा है, खासतौर पर वाणी में आपको कुछ ऐसा चिड़चिड़ापन सा लग रहा है कि आप लग रहा है कि ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में हर कुछ अच्छा हर समय नहीं होता है। आपके भी जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको लग रहा होगा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ठीक करना होगा, ऐसे ठीक करवाना है, ठीक है, लेकिन आप वाणी का, मतलब गलत वाणी, गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप निकल ही जाएगा मुझसे कुछ गड़बड़, गुस्सा आ ही जाएगा, चिड़चिड़ापन आ ही जाएगा, आप शब्द निकल ही जाएगा, मत बोलिए। कोशिश करिए कि अपने जीवन साथी या पार्टनर या लाइफ पार्टनर या साझेदार, जो भी साथ साथ आपके चल रहे हैं, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उनसे कहें कि भाई आप संभाल लो, मैं नहीं बोल रहा, मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, आप और काम कर लीजिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप में किसी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है कि आप नहीं कर पाएंगे वाली बात तो नहीं दिख रही है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप स्वयं वो काम करिए जो बिना बोले हो सकता है।
तो वो सारे कार्य को करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपके पार्टनर की तरफ से इतना अच्छा सहयोग मिलेगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप उस कार्य को करवा पाएंगे और अच्छे तरीके से आपका कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिन को संभालने की कोशिश करें कि आज के दिन काला रंग और साथ में सफ़ेद रंग, इन रंग का प्रयोग करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और साथ साथ हरा रंग भी आपके लिए सहयोग वाला होगा जो आपको समझने में परिस्थितियों को बहुत मदद करेगा और जो आप मेंटल वर्क करेंगे वो मेंटल वर्क सही तरीके से कर पाएंगे, ऐसी ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे। आइए दर्शकों, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप मानसिक रूप से काफ़ी चिड़चिड़े से परेशान से रहेंगे, आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा और आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे कि किसी के प्रति भी बहुत क्रोध आ रहा होगा। प्यार नाम की चीज़ तो आपके मन से गायब सी हो रही होगी, हालांकि आपके मन में बहुत प्यार आ रहा है, सबके प्रति अच्छा आ रहा है, लेकिन गुस्सा भी आ रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस तरह से हो सकता है, मतलब परेशान है उलझे हुए और बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा है, किसी से सही तरीके से बात करने की इच्छा नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में बहुत संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है। मेरा कहना है सबसे पहले सुबह सुबह आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए, शांत कीजिए, उसके लिए एक ही तरीका बहुत बेस्ट है, वह है महामंत्र। महामंत्र का जाप किए बिना तो आप निकलिए मत घर से और किसी से बात भी मत कीजिए, मतलब सुबह उठिए सबसे पहले फ्रेश होकर के नहा धो करके सबसे पहले महामंत्र का जाप कर लीजिए, उसके बाद ही आप निकलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया, नहीं तो सब गड़बड़ होने के चांस बन होंगे, परिस्थितियाँ अच्छी होने के बाद भी आप ही गड़बड़ कर देंगे, ऐसा स्थिति बन रही है। तो इसीलिए महामंत्र का जाप करिए। महामंत्र का जाप करने के लिए क्या है, महामंत्र फिर से बता देते हैं जो नए दर्शक उनके लिए आसानी हो जाएगी। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशन आ जाती है, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे नेगेटिविटी आप तक पहुँच नहीं पाती है, नेगेटिविटी के साथ मिसमैच हो जाता है और आपका और नेगेटिविटी का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है, आप नेगेटिविटी जुड़ नहीं पाते नेगेटिविटी के साथ। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके अंदर दैवी कृपा से परमात्मा की कृपा से बिल्कुल क्लियर हेड हो जाता है, आपका मन एकदम साफ हो जाता है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और अगर आप नहीं चाहते हैं कुछ भी करना तो मत कीजिए, शांत रहिए, रेस्ट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जा करके कुछ गड़बड़ कर जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह से संभालने की कोशिश करें अपने आप को, कोशिश करें कि पीला रंग हरा रंग अवश्य धारण करें, इससे आपके अंदर सुकून से सही निर्णय लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए दर्शकों, देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर परिस्थितियाँ थोड़ी चैलेंजिंग है आपके लिए, कार्य अच्छे से कर रहे हैं लेकिन बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन दिख रहा है और थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आने का बन रहा है, मतलब आपके अंदर थोड़ी हरारत परेशानी और आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरा हुआ रह सकता है, थोड़ा सा कमजोर हो सकते हैं आप, थोड़े से अपसेट हो सकते हैं हेल्थ वाइज। तो इसलिए कोशिश करें अपने आप को संभालें, हो सके तो आज के दिन बहुत अच्छे तरीके से स्नान करें, बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छे साफ सुथरे अच्छे वस्त्र धारण करें, जिससे अपने आपको खुशी मिले, आपको पॉजिटिविटी फील हो, जो आपको पसंद है वो वस्त्र पहनिएगा, साथ में महामंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा मॉर्निंग में। महामंत्र का जाप करने के बाद ही दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आसान नहीं होता है कि मेहनत किए जा रहे हैं और फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपके अंदर निराशा दुख परेशानियाँ आराम से आएंगी, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गड़बड़ समय चल रहा है, तो निराशा कहेंगे हाँ भाई बंदा नेगेटिव है, चलो हम भी बैठते हैं, और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। तो अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए पहले तो आप पॉजिटिव होइए, जब पॉजिटिव हो जाएंगे महामंत्र का जाप करके तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं आ पाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और आप तरफ पॉजिटिव होते जाएंगे। तो इस तरह से आप हालात को बदल देंगे, परिस्थिति को बदल सकते हैं दैवी कृपा से। महामंत्र जो नए दर्शक उनके लिए फिर से बता देते हैं, महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी माला है उसे आप शुरू कर दें, रिजल्ट आएगा ही आएगा, काउंटिंग 108 मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से करके संभालने की कोशिश करें, इससे आपका दिन का सदुपयोग आप कर पाएंगे और कोशिश करें आज के दिन लाल रंग पीला रंग अवश्य धारण करें, इससे आपके अंदर सही निर्णय लेना, उत्साह के साथ कार्य करना, इन सब बातों में बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए दर्शकों, को देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके सभी कार्य बहुत अच्छे से चलेंगे, आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे से होगी, आपके बड़ों का सहयोग बहुत अच्छे से मिलेगा, सीनियर्स का सहयोग भी बहुत अच्छे से मिलेगा, आपके बॉस का भी सहयोग बहुत अच्छे से मिलेगा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है, इवन आपके जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध होने के बन रहे हैं। बस ये दिख रहा है कि आपके
जो खर्चे हैं उन खर्चों को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कर पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, कुछ चीज़ें टूट सकती हैं, कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, जैसे टेक्निकल चीज़ें, यंत्र वगैरह कुछ ऐसे खराब हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करके चलेंगे, परमात्मा से जुड़ के चलेंगे, पॉजिटिविटी लेके चलेंगे, तो वो भी काफ़ी संभल जाएगा। मतलब नुकसान तो हुआ लेकिन कम से कम होएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें खराब हुई, आपके गाड़ी में कुछ खराब हो गया, घर में कुछ खराब हो गया, स्विच खराब हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ खराब हो गई जो पता चला बहुत महंगा पड़ रहा था उसको रिपेयर करना, लेकिन अचानक पता चला कि अगर चाप चूप करके आप पॉजिटिव एनर्जी करेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो अच्छी भावना रखने वाले मिल जाएंगे, जो अच्छा सोचते हैं, किसी को लूटना नहीं है, सही एडवाइस देके सही कम से कम कीमत में सही कीमत लेकर के कार्य कर देंगे आपका, तो पता चला आपका रिपेयरिंग भी हो गया, वो पार्ट्स जो थे उसकी जो बहुत ज़्यादा कीमत लगाता था हर व्यक्ति, वो कहेंगे नहीं भाई इतने ही चाहिए मुझे, और पता चला कम से कम खर्च में आपका काम हो गया। यही होती है दैवीय कृपा कि आपको सही व्यक्ति मिल जाएगा और वो सही तरीके से आपका कार्य करके आपको मदद कर देगा। तो इस तरह से आपके जीवन में बेहतर हो सकता है। बस इतनी सी ही दिक्कत दिख रही है, बाकी सब बहुत अच्छा दिख रहा है। तो परमात्मा का शुक्राना करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते रहिए अच्छे समय के लिए, और सूर्य भगवान की पूजा अगर प्रातः काल कर लेंगे आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके, तो उससे एक फायदा हो जाएगा कि सूर्य भगवान की इतनी अच्छी कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो आपके अंदर ईगो नहीं आ पाएगा। क्योंकि अच्छे समय में जब सब कुछ अच्छा चलता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, ऐसा होने के चांसेस बनते हैं। किसी को पहले से ईगो है तो पता चला वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिर ईगो में आ जाएंगे। कुछ के अंदर ईगो है नहीं, उन्होंने अपने आप को बदल लिया है अच्छे कर्म करते हुए, तो उनके अंदर कम ईगो आ पाएगा। सारे सिंह राशि वाले एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि सारे सिंह राशि वालों के एक ही ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसीलिए कुछ लोग ज़्यादा क्रोधी होते हैं, कुछ लोग कम क्रोधी हैं, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं। तो इसलिए क्या है कि प्रवृत्ति एक जैसी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का कॉम्पोनेंट्स, कई चीज़ों का व्यवहार होता है डिफरेंट होता है, उसमें कुछ लोगों को ईगो आ सकता है। इसीलिए उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रातःकाल आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लें। ईगो कोई अच्छी बात तो है नहीं, अगर वो नहीं रहे तो आप कितने अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने आपको संभाल लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप चलेंगे तो आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। हरा रंग, पीला रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा आज के दिन के लिए। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, हर तरह से बहुत अच्छा रहेगा। अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के चलें, लेकिन यह है कि पेमेंट्स के लिए आप खुद मत पड़ें, अपने पार्टनर को, अपने साझेदारों को, या आपके जीवन साथी को उनको जिम्मा दें। उनसे अगर वो आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर, आपके वाइफ, कोई आपके साथ हैं जुड़ा हुआ जो आपके बिजनेस में पेमेंट्स रिकवर कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, तो उनसे आप पेमेंट लें, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो बाद की पेमेंट हो, वो सब पेमेंट आप उनसे ही रिकवर करवाएंगे, तभी आसानी से हो पाएगा। आपके पास वो ऊर्जा नहीं है जो पूरी तरह से पेमेंट मिल पाए, कुछ ना कुछ उलझन हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो क्लैरिटी के साथ चलें, जो पेमेंट्स लेनी है लिखित तौर पर हमेशा लिखें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पता चला मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि लेना कुछ था, उसने बता दिया कि जी इतना दे चुके हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एंट्री करके रखें, रिटेन करके रखें, उनको भी सबूत देते रहें साइन करके, ऐसी चीज़ें निश्चित तौर पर करें, या मेल करें, चाहे मैसेज करें, ताकि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ऐसे अगर संभल के चलेंगे तो आपका ये पेमेंट वाला इशू भी सही हो जाएगा, और काम तो अच्छा चलने का बनता ही बनता है। तो इस तरह से करके आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। कोशिश करें कि हरा और पीला रंग दोनों का उपयोग जरूर करें, और सफ़ेद रंग उपयोग मिला है लेकिन पूरी तरह से सफ़ेद नहीं, सफ़ेद के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो मैंने बताया हरा पीले का, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दिन का आप सदुपयोग इस तरह से आप कर पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके व्यवसाय में कुछ उलझने परेशानी चलेंगी, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो। कहीं कुछ ऐसी स्थिति होगी जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं जिसको मतलब पहले से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ऐसी चीज़ें परेशानी हो सकती हैं, और आपस में भ्रम ही वाली बात होगी। मतलब लोग उलझे होंगे, कोई कारण नहीं होगा, मतलब यूं ही कई बार होता है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसको लगा कि इसने मेरे लिए बुरा कर दिया है, या इसने नुकसान कर दिया है, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसी बातें हो सकती हैं जो सिर्फ हवा में बातें चलेंगी, सचमुच में हकीकत में कुछ नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए आपका मस्तिष्क बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपको बड़ों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको अपने पार्टनर का भी सहयोग बहुत अच्छे से मिल रहा है। मतलब ये स्थिति ऐसी है कि सब तरह से अच्छा दिख रहा है, बस आपके ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ चल रहा है, उसमें फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं भी लगे, चाहे तो अपने पार्टनर को लगाइए, चाहे अपने सीनियर्स को, सबके साथ मिल करके एक टीम वर्क करके अच्छी प्लानिंग कर लीजिए कि ये जो इशू आया है इसको कैसे सॉर्ट आउट किया सकता है, क्यों हुआ और किसको सोल्यूशन क्या है। बड़े आसानी से सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे और अच्छे तरीके से परिस्थितियाँ ठीक कर पाएंगे, और सब अच्छे तरीके से होकर के अच्छे से कार्य करेंगे। धन की प्राप्ति करने का भी योग बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छी बात आप में ये है कि आप जो भी धन कमाते हैं उसका सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है, धन का दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग करिए, परमात्मा और भी देते हैं। यदि आप गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, परमात्मा के दिए हुए धन को आप दुरुपयोग करते हैं, जैसे आप ड्रिंक करते हैं या फिर आप नॉनवेज खाते हैं या फिर किसी और गलत कार्य में उपयोग करने लग जाते हैं धन, तो परमात्मा देखते हैं कि ये तो गलत रास्ते पर चल रहा है, तो परमात्मा बहुत सारी अड़चनें आपके जीवन में आपके पैदा करते हैं। कैसे अड़चन कहते हैं, वो आप अच्छा बुरा समय आता रहता है, अभी अच्छा है, कुछ समय के बाद बुरा होगा, फिर अच्छा होगा, ऐसा चलता रहता है, क्योंकि ग्रह चल रहे हैं। पर जब पूरी स्थिति में आएंगे आपके लिए, तो आपका बुरा समय उस समय पर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यदि आप अच्छे कर्म करते रहते हैं तो बुरे टाइम में भी आपके लिए इतना बुरा नहीं हो पाता है। इस तरह से आप अपने आप को बचा पाएंगे और सही तरीके से आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप क्रीम कलर, ऑफ वाइट रंग, काला रंग प्रयोग में लाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में हरा रंग भी आपके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहेगा और सहयोगी होगा आपके सही निर्णय लेने में। आइए दर्शकों, देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा जाएगा। मतलब परिस्थितियाँ ठीक दिख रही हैं, लेकिन आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन है और इतना अजीब सा मन स्थिति हो रखी है, आपके अंदर ईगो भी आ रहा है और आप बड़े परेशान से हैं। अब आप परेशानी को महत्व दे करके परेशानी में ही रहना चाहते हैं और चीज़ों को उलझाना चाहते हैं, तो कुछ मत करिए, सब कुछ उलझ जाएगा, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सॉर्ट आउट करके ठीक करना है, तो प्रातःकाल सबसे पहला काम महामंत्र का जाप करिए, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए, या आदित्य हृदय स्तोत्रम पहले कर लिए उसके बाद महामंत्र का जाप कर लीजिए, क्योंकि आदित्य स्तोत्रम ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद महामंत्र तसल्ली से कर लीजिए कि एक माला से ज़्यादा आप कर सकें तो बहुत अच्छा। मेरी सलाह रहेगी कि एक माला से ज़्यादा करिए, 16 माला तक कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन पे समय लगा दिए अगर, तो आप पूरे दिन का सदुपयोग ठीक तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको बता रहे हैं, आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उलझे हुए हैं। आपके जीवन साथी के साथ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, आपके पार्टनर के साथ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, आपके पारिवारिक जीवन में भी बहुत तरह की उलझनें दिख रही हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस तरह से अपने आप को संभालें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन पीला रंग अवश्य धारण करें, साथ साथ श्वेत वस्त्र भी धारण करें, लेकिन श्वेत अकेला नहीं धारण करेंगे, कॉम्बिनेशन के साथ धारण करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आप अपने आप को संभाल के दिन का सदुपयोग कर पाएंगे और सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं दर्शकों, धनु राशि वालों के लिए आज दिन कैसा है। धनु राशि वालों का कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप मानसिक स्थिति तो बहुत अच्छी है आपकी और कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, लेकिन जब आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं तो परेशान हो जा रहे हैं। तो गहराई से सोचने की ज़रूरत क्या है, हर बात पे बारीकी से सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर बात में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो परमात्मा जैसा समय दे रहे हैं उसको स्वीकार करिए, अपने बुद्धि विवेक से सही करिए और आगे बढ़िए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए। कहते हैं लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो इसलिए आप अगर आप चाहते हैं तो आप वर्तमान में रहें, ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, नहीं तो चिड़चिड़ापन सा आ जाएगा और जो स्थिति अच्छी दिख रही है, जो परिस्थिति अच्छी दिख रही है, वो सब ठीक तरीके से नहीं आप सदुपयोग कर पाएंगे, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप संभालेंगे तो दिन बहुत अच्छी तरीके से बीत पाएगा और अच्छे तरीके से आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। आप कोशिश करें कि आज के दिन हरा और पीला रंग अवश्य प्रयोग में लें, आपको उत्साह भी बढ़ा के रखेंगे, सही निर्णय लेने में भी आपकी मदद करेंगे और बाकी हर तरह से स्थिति अच्छी दिखी रही है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप जीवन साथी के साथ समय संबंध और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईगो क्लैश होने का दिख रहा है, तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें, प्रतिदिन करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ थोड़े संबंध बेहतर हो जाएंगे और आपस में क्लैश होने के बजाय अच्छा हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि गड़बड़ियाँ ठीक तो होंगी, ठीक होने के साथ साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो या तो गड़बड़ हो जाएगा या तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप पाठ करके अच्छा ही कर लीजिए। तो इस तरह से आप दिन का सदुपयोग कर लीजिएगा और आनंदित होकर के जीवन का ये समय ये दिन बिता लीजिएगा। आइए दर्शकों, देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। मतलब अभी तक लग रहा था कि सीनियर्स का सहयोग नहीं मिल पा रहा, बड़ों का सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल गई है तो आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा। हालांकि आप फिर भी नेगेटिव सोच रहे हैं, हालांकि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे, धन की प्राप्ति बहुत अच्छे से हो पाएगी, ऐसी स्थिति दिख रही है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत गड़बड़ दिख रहा है, जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। तो कोशिश करिएगा अगर आपके लाइफ पार्टनर ने या पार्टनर या साझेदार ने कुछ बोल दिया आपको, उसको सीरियसली लेकर के इशू मत बनाइएगा, टाल दीजिए बात को, बोलेगा ठीक है बाद में बात करते हैं, या बोलेगी रहन दो यार बाद में कर लेते हैं, समय आ जाए दो दिन के बाद आप उससे बात करिए, तो पता चलेगा उनके अंदर भी वो जो गुस्सा था वो खत्म हो गया, क्योंकि सिर्फ आपका ही समय थोड़ी खराब है, उनका भी समय खराब होगा किसी न किसी वजह से, तो आपस में एक दूसरे से चिड़चिड़ापन या इरिटेशन शेयर हो सकता है।
तो इसलिए आप इसको टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और समय जब अच्छा हो जाएगा तो बात करेंगे तो पता चला इशू समाप्त हो चुका है और आप अच्छे आपके संबंध अच्छे हो चुके हैं। तो इसलिए आपने आपको बचाने की कोशिश करें, समय अच्छा दिख रहा है, आप सिर्फ नेगेटिव दिख रहे हैं। अगर आप नेगेटिविटी से बचना है तो आदित्य हृदय स्तोत्रों का पाठ अवश्य कर लीजिएगा, सूर्य भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, तो आप नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे और पॉजिटिव ही सोच पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और कोशिश करें कि अपने आप को आनंदित करें, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आज थोड़ा समय बिताएं तो अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करिए। ये भी हो सकता है कि अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर को या पार्टनर को समय ही नहीं देते हो, तो इसकी वजह से ही आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी हो। तो अगर आप उनको पैम्पर करेंगे, खुद को भी पैम्पर करेंगे, तो पता चला कि फिर से बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग होने के अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करें, अचानक किसी का मन नहीं बदलेगा या आपका मन बदल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए महामंत्र का जाप प्रातःकाल अवश्य कर लें, आदित्य हृदय स्तोत्रम कीजिए, महामंत्र का जाप कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर क्लटर सारे खत्म हो जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, और अच्छे मन से जब अपने पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ आपने बात किया तो उनको भी लगेगा कि यार अच्छे से बोल रहा है, क्या जरूरत है। उनके अंदर भी नेगेटिविटी खत्म होगी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव का प्रभाव भी सामने वाले व्यक्ति को पड़ता है और उसके अंदर भी बदलाव हो सकता है। अगर आपने 16 माला कर लिया तब तो आपको स्पर्श से ही उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, मतलब आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि उनको अगर स्पर्श कर लिया तो उनके अंदर भी नेगेटिविटी जो थी वो समाप्त होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से आप अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं और दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि यदि आप लाल रंग, काला रंग और सफ़ेद रंग, इन रंगों का उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए उत्साहवर्धक और सफलता की तरफ बढ़ाने वाला रहेगा। आइए दर्शकों, देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों का समय तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हर तरह से समय ठीक दिख रहा है, लेकिन बस एक चीज़ अभी थोड़ा ग्रहों की चाल की वजह से गड़बड़ हुआ, वो ये हुआ है कि आपके मन में थोड़ी निराशा आने लगी और आप अननेसेसरी उलझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें। मतलब ऐसा भी हो सकता है जब परिस्थिति अच्छी होती है व्यक्ति सोचता है ऐसा करके देख लेते हैं, वैसा करके देख लेते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गड़बड़ मत कीजिए, कुछ भी ऐसे मत कीजिए जो गड़बड़ हो सकता है। मतलब जैसे अब एग्जांपल कि आपको सही तरीके से धन की प्राप्ति हो रही थी, आपको जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए था अच्छे तरीके से मिल रहा था, अब आपका समय अच्छा चल ही रहा था, आपने सोचा यहाँ से ले लेते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ इसको दो नंबर तरीके से बेच देते हैं, टैक्स चोरी कर लेते हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ अभी थॉट अगर आ रही हैं आपके अंदर। अब समय अच्छा चलता है तो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ने के चक्कर में लालच में आ जाता है कई बार। यदि आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत पड़िए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है। ग्रहों की चाल ऐसे बता रही है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप फंस जाएंगे और बुरी तरह से आपके साथ दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसलिए किसी तरह की नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है, जो चल रहा है, जो मस्तिष्क कहता है सही है वही करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, कार्य भी अच्छा चलेगा। तो इस वजह से उलझना नहीं है और संभल के चलना है। कोशिश करें कि आज के दिन काला रंग, लाल रंग, पीला रंग ये सब जरूर धारण करें और अपने आप को उत्साहित रखने के लिए कुछ अच्छा कुछ करते रहिए अपने साथ, अपने आप को एंटरटेन करते रहें जिससे आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हावी हो। इस बात अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और सही तरीके से दिन का सदुपयोग आप कर पाएंगे। तो ये रहा दर्शकों आज के दिन का हाल, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।